अभी नीचे देखिए, बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ पर। क्या व्यू है यहाँ का, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। ये सामने वाला गांव है, गांव का नाम जुड है। ऊपर दिख रहा होगा ये सामने जुड है, और ये ऊपर दिख रहा होगा ये दिखेते, और हमारा गांव दोस्तों यहाँ नीचे है। तो मैं यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ आया, तो अभी यहाँ पर चारों ओर चीड़ के पेड़ हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। इधर खेत हैं, सीढ़ी नुमा खेत। दोस्तों सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ था, तो अभी देखें तो ऊपर बादल छा गए हैं ऊपर, ये देखिए बादल आ गए हैं अभी। तो अभी मुझे वहाँ जाना है, तो चलिए फिर मेरे साथ आप लोग भी चलिए और रास्ते का एंजॉय करें। तो चलो फिर दोस्तों, अभी मेरे को बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाते हुए ऊपर जाना है टॉप पे, फिर वहाँ से सीधा वहाँ जाना है। तो चलिए फिर। तो दोस्तों अभी मैं इतनी नीचे से ऊपर आ चुका हूँ, और अभी बिल्कुल ऊपर जाना है वहाँ, तो चलिए फिर। तो दोस्तों मैं काफ़ी थक चुका हूँ अभी, यहाँ नीचे से आया बिल्कुल बहुत नीचे से, और यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और अभी ऊपर जाना है ऊपर। चलो फिर। तो देखो दोस्तों, रास्ते में मुझे न्यू फ्लावर भी मिले, ये देखिए। तो चलते चलते मुझे आगे एक फ्लावर और दिखाई दिया, तो आप भी देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों सामने का भी कुछ ऐसा है। अब ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ इन घने चीड़ के पेड़ों के बीच में, और ये इधर नीचे आसमान में बादल छाए हुए हैं, और ये सामने वाले गांव। तो दोस्तों इतनी नीचे से आने के बाद मुझे काफ़ी थक लगी थी, तो मैंने कहा मैं अपने साथ ये मौसमी लेके आया था, तो मैंने कहा क्यों ना एक ये खाई जाए। तो चलो फिर खाते हैं दोस्तों, ये मौसमी है तो अभी इसको खाते हैं फिर। ठीक है, रेडी हो गई। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी जूसी है, अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा रेस्ट किया मैंने, अभी मेरे को ऊपर जाना है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल नीचे से आया, अभी ऊपर आ चुका हूँ टॉप पे, और यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है कि बहुत ही मज़ा आया है। तो पहुँच गया हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए। दोस्तों देखिए
नीचे हमारा गांव दिख रहा है और सामने ये मंदिर दिख रही है। इधर ये गांव की रोड है और अभी हम गांव से इतनी ऊपर टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ सारे चीड़ के पेड़ हैं ये। अभी मुझे और ऊपर जाना है और ये देखिए आप सामने का व्यू। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ टॉप पे, बिल्कुल नीचे से। तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मेरे को और ऊपर जाना है, इधर पीछे जाना है मेरे को अभी। तो चलो अभी चलो साथ में। दोस्तों ये चीड़ के पेड़ हैं, बहुत लंबे लंबे हैं। ये पीछे का व्यू है। तो दोस्तों ये चीड़ के पेड़ पे लगते हैं ये। तो दोस्तों इनको छोटी बोलते हैं और इनके अंदर बादाम जैसी गिरी होती है, उसको निकाल कर खाते हैं। ये काफ़ी पौष्टिक से भरा हुआ होता है तो काफ़ी टेस्टी भी होता है खाने में, तो हम लोग इनको खाते भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे गाय चर रही है, ये लोगों ने सब ने अपनी अपनी गाय छोड़ दी होती है, तो ये जंगलों में ऐसे ही चर के उसके बाद शाम को अपने घर चले जाते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और इधर चल रहे हैं। एक घने चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा घने, देखिए अब बिल्कुल चीड़ के पेड़ ना बिल्कुल सीधे ही होते हैं। ये देखिए क्या व्यू है यहाँ का। तो चलो जितना चल सकते हो चलो, क्योंकि जब ऐसे रास्तों पे चलते हैं तो मन करता है कभी रास्ता ख़त्म ही ना हो, चलते रहें। सामने की चोटियाँ कुछ ऐसी दिख रही है, धुंधली, साफ नहीं दिख रही। अभी हमने टॉप पे जाने वहाँ ऊपर एवरेस्ट की चोटी पे। सामने बकरियाँ भी दिख रही होगी आपको। हाँ ये सामने गांव के हैं कुछ लोग, बकरियाँ चराने आ रखे हैं। हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि चलो इस जंगल में कोई तो है। अभी चढ़ते जाओ पहाड़ पे, टॉप पे। उफ, फाइनली दोस्तों जहाँ पर हमने पहुँचना था पहुँच ही गए हैं। तो दोस्तों देखिए ये जंगल में दूसरे गांव के लोग अपनी बकरियाँ गाय चराने आ गए। अरे कुछ नहीं, चलो भागो। तो दोस्तों ये टॉप पॉइंट है। यहाँ पर जहाँ तक देखोगे आपको चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे। ये दोस्तों तो मेरे पीछे का व्यू देखिए, पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। दोस्तों नीचे बहुत खाई है यहाँ से नीचे तक।
दोस्तों ये चाचा लोग हैं जो कि गांव से आ रहे हैं और अभी मार्केट जा रहे हैं। तो हमें ये चढ़ाई चढ़ने के बाद ही मार्केट जाते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोगों के जीवन का डेली का रूटीन है। दोस्तों इतनी दूर इतनी ऊपर आ रखे हैं और यहाँ पर नेचर को फील ना करें ये कभी हो नहीं सकता। तो थोड़ी देर बैठ के हम नेचर को फील कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आप भी मेरे साथ नेचर को फील करें और देखिए कितना सुंदर व्यू है। दोस्तों फिर चलते हैं, अभी अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ दिखाएंगे आपको। तो बाय बाय। तो अभी हमें यहाँ से नीचे के लिए जा रहा हूँ। तो अभी नीचे देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पर। बिल्कुल अभी जा रहा हूँ मैं नीचे घर की ओर। तो ये बिल्कुल रास्ता तो बहुत ही डेंजर है ये, और इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं इधर, जैसे बाघ हो गया, भालू हो गए। तो यहाँ वैसे अकेला आना नहीं चाहिए। और अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और मैंने खाना भी नहीं खाया है। और घर वाले भी कह रहे होंगे कहाँ चला गया आज बिना बताए, मैंने बताया भी नहीं था। तो अभी निकल रहा हूँ मैं घर की ओर। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट घर में। तो दोस्तों देखिए पूरा जंगल है। ट्रैकिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये पूरा जंगल है और इन जंगलों के बीच में आप ट्रैकिंग करने आ सकते हो, जो ट्रैकिंग का शौकीन हो तो वो बहुत अच्छे से यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आधा रास्ते तक मैं आ चुका हूँ और अभी मुझे जाना है बिल्कुल नीचे, वो गांव दिख रहा होगा आपको, तो गांव में जाना मेरे को। तो देखिए ये गाय यहाँ पर चढ़ के आ गई हैं दोनों, ये भी, और यहाँ पर पानी है तो ये पानी पी के अभी इधर आ गई है। और अभी 2 नीचे भी हैं ये, और 2 इधर भी हैं। तो ये लोग अपना चढ़ के अपने घर की ओर जा रहे हैं। ओहो एक ये भी है, 2 इधर हैं, और अभी 1 आगे भी जा रहा है। पढ़ना एक ये है देखो। हेलो हेलो। तो दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।